विश्व में वैश्विक बीमारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से हमारा देश भी अछूता नहीं रह गया है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री काफी गंभीर है। 19 मार्च को देशवासियों को सचेत करने के बाद रात 8 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री मीडिया के जरिए देश की जनता से रूबरू हुए और इस कोरोना वायरस से फैलने वाले संक्रमण से बचाव का सीधा रास्ता बताते हुए रात्रि 12 बजे से पूरे देश को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस दौरान जनता से आह्वान किया कि जनता अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद ज्यादा तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन ऐलान और उनके द्वारा कोरोना को लेकर एक पोस्टर दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वह नजारा देखने को मिला जिसे आप भी जागरूक हो जाएंगे। मुरादाबाद निवासियों का साफ साफ कहना है कि अगर कोरोना को हराना है तो प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन ही एकमात्र रास्ता है। अब सड़कों पर बिल्कुल नहीं निकलना, ये कहते हुए अपने घरों में बंद हो गए। इतना ही नहीं, घरों के साथ साथ मंदिर के मुख्य द्वार भी लॉकडाउन के पोस्टर लगाकर मंदिरों के कपाट भी 21 दिनों तक बंद कर दिए गए हैं। अपने दरवाजे पर अपने हाथों में प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए कोरोना पोस्टर की कॉपी को थामे हुए महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है कि रात के 12 बजे से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस तेजी से पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत तेजी से संक्रमित हो रहा है। मुरादाबाद निवासी अमित भी अपने घर के दरवाजे पर वही पोस्टर लगा रहे थे जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पूरे देश को दिखाया था। अमित का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन हमें टास्क के रूप में दिया है, हम सभी इसे निभाएंगे। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद उससे प्रोत्साहन लेकर वह कंप्यूटर से कॉपी निकालकर आसपास के घरों वालों को बांट दिया और जिस लोगों ने अपने घर पर लगा दिया है और लगभग सभी लोग इस क्षेत्र में अपने घरों के अंदर जा चुके हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजीदे लिखी रिपोर्ट। और इसमें कुछ लिखा भी गया है कि इसका मतलब क्या है, क्या पर्पस है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कोरोना का जो सही माने हैं वो समझाया है, जिससे कि देश में महामारी ना फैले। को का मतलब कोई, रो का मतलब रोड पर, ना का मतलब ना निकले। जिससे कोई रोड पर ना निकले, जब कोई रोड पर नहीं निकलेगा तो ये महामारी एक से बढ़ के एक आगे नहीं बढ़ेगी। ये इसकी रोकथाम के लिए यही अच्छा विकल्प है। तो क्या आप लोग नहीं निकलेंगे? बिना आवश्यक कार्य के, अति आवश्यक कार्य के हम लोग घर से नहीं निकलेंगे। कितने दिन के लिए आपने सोचा है? ये 21 दिन का लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें टास्क के रूप में दिया है, ये सभी जनता इसे निभाएगी। तो ये जो आपने पोस्टर लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने इसी तरीके का पोस्टर जो है दिखाया है आज, तो क्या उसी को देखकर आपने लगाया? जी, उसी से प्रोत्साहन लेके कंप्यूटर द्वारा कॉपी निकाल के, जिससे हमने ही नहीं बल्कि और आसपास के घर वालों को बाइट कर दिया, जिससे कि लोगों ने अपने घर पे लगाया और खुद हम सेफ होंगे। जब भी हमारा पड़ोसी सेफ होगा, जब भी हमारे रिश्तेदार सेफ होंगे। तो क्या सभी लोग घर के अंदर चले गए? हाँ, लगभग इस क्षेत्र में सभी लोग अपने घर के अंदर जा चुके हैं प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.